बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं अगर किसी कार्य की शुरुआत अच्छे से हो तो वो काम बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है। तभी तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से, ताकि कृषि जगत की ताज़ा तरीन खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची और खूंटी जिला के किसानों के लिए उद्यान विकास योजना। कोडरमा के गौपालकों के लिए चलाया जा रहा है 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता। अब समाचार विस्तार से। रांची और खूंटी जिला के उद्यान विकास योजना के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें बागवान मित्रों और किसानों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण और युवाओं को 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावे विभिन्न अवयवों की स्थापना के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रांची और खूंटी के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय में 25 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान रांची की ओर से कोडरमा जिला के गौपालकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रशिक्षण का विषय है दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण। कोडरमा जिला के जो गौपालक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वे जिला गव्य विकास कार्यालय कोडरमा से संपर्क कर सकते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं को गलघोटू, खुरहा और लंगड़ी बुखार होने का खतरा बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के पशुपालक अपने पशुओं को इन रोगों से बचाने के लिए टीका लगाएं। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है, जीवाणु विषाणु जनित रोग, इसका टीकाकरण करके हमारे किसान भाई इससे बचाव कर सकते हैं। तो जीवाणु विषाणु जनित रोग जैसे कि होता है, जैसे गाय की बात करते हैं, तो इस समय बरसात के मौसम में HS BQ और FMD, ये 3 बीमारियां होने की संभावना बहुत होती है। HS जो गलाघोंटू कहते हैं, FMD खुरहा कहते हैं, और BQ लंगड़ी बुखार कहते हैं। बरसात के मौसम में HS की संभावना बहुत अधिक होती है। HS बकरियों में भी हो सकता है, इसमें जानवरों को सांस लेने में परेशानी होती है और घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, और सही समय पर इलाज नहीं करने से पशु मर जाते हैं। तो HS BQ FMD गाय में इसका टीकाकरण अवश्य करा कर रखें। अगर आपने अभी भी नहीं कराया तो इस तीनों टीका, एक ही टीका से भी तीनों जो बीमारी है उसका टीकाकरण हो सकता है। राज्य के जो किसान खरीफ मौसम में लत्तेदार बोदी की खेती करना चाहते हैं, वे जुलाई के अंत तक फसल लगा सकते हैं। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता लगाएं। लत्तेदार बोदी की बुआई के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषि यंत्र ग्रबर से खरपतवार निकालने का काम किया जाता है। राज्य के किसान कृषि उपकरण ग्रबर की सहायता से छोटी एवं कम गहरी जड़ों वाली फसलों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 15 से 18 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं टमाटर फसल में लगने वाले माहों और सफेद मक्खी कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, आपके पौधशाला में टमाटर का बिचड़ा तैयार होने की स्थिति में हो तो उसे खेत में रोपने से पहले उपचारित कर लें। इसके लिए बिचड़ा को मुख्य खेत में रोपने से पहले
प्रति लीटर पानी की दर से 7 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड दवा मिलाकर घोल बनाएं और इसमें बिचड़ों को आधा घंटा डुबाकर रखें। इसके बाद इसे छाया में सुखाकर खेत में रोपें। इससे टमाटर फसल में माहो और सफ़ेद मक्खी और पत्तियों से रस चूसने वाले कीट नहीं लगेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जोहार।